ओले एड्स वाली वाइब्स नहीं आ रही। वेलकम टू द मोस्ट रियलिस्टिक एंड अ बिट क्योटिक ग्लो अप ऑन माई चैनल। आई एम डूइंग दिस ग्लो अप फॉर माई बर्थडे। आपको पता है मैं मुंबई शिफ्ट हो चुकी हूँ, सो वट एवर लिमिटेड रिसोर्सेज आई हैव करेंटली आई यूज दैट टू डू ग्लो अप फॉर माई हेयर, स्किन, नेल्स। देयर इज गोना बी मेकअप आउटफिट ऑल्सो इन टुडेज वीडियो। दिस ग्लो अप इज ऑल्सो वेरी स्पेशल बिकॉज आई ड्रैग माई फ्रेंड्स टू डू क्यूम्युलेटिव स्किन ग्लो अप। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। I'm starting this glow up pretty late. अभी 6 बज रहे हैं and I'm going for my haircut appointment. मैंने Enrich Salon के बारे में काफी सुना हुआ है, so मैं वहीं जा रही हूँ haircut के लिए। तो आपको पता है 2 महीने पहले मैंने अपने खुद के बाल काट दिए थे। इतने लंबे बाल हुआ करते थे, नीचे से काफी डैमेज हो चुके थे, तो मैंने खुद ने ब्लंट कट कर दिया और इतने अभी मेरे बाल हो चुके। बालों में कुछ भी मूवमेंट नहीं है, इट लुक्स वेरी ब्लैक टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आई वॉन्ट अ प्रिटी सिंपल हेयर कट जो कि मेरे थिन पतले बालों में अच्छे लगे। सो मैंने सोचा कि मैं ना उनको बोलूंगी नीचे से ब्लंट रखो ताकि वॉल्यूम रहे मेरे बालों में, एंड देन मूवमेंट के लिए एक लेयर ऐड कर दो। लेट्स सी वो क्या बोलते हैं, हो भी पाएगा कि नहीं मेरे बालों के वो थिकनेस पे, क्योंकि ज्यादा बार ऑनेस्टली नहीं है। लेट्स गो टू द सैलून नाउ। सैलून में पहुंच चुकी हूँ, काफी एक्साइटेड थी मैं, अभी दिख नहीं रही हूँ बट थी एक्साइटेड। सो द फर्स्ट थिंग माय हेयर स्टाइलिस्ट डिड वाज टू वॉश एंड कंडीशन माय हेयर, वो मैंने उन्हें बोला था करने के लिए, एंड देन बिगेन द हेयर कटिंग प्रोसेस। सो मैंने नीचे से 2 इंच बाल छोटे भी करवाए हैं एंड आई मस्ट से माय हेयर स्टाइलिस्ट कम्प्लीटली अंडरस्टूड द असाइनमेंट। एंड बिफोर इवन गोइंग फॉर वॉशिंग माय हेयर आई हैड अ 1-on-1 कन्वर्सेशन विद हिम कि मुझे कैसे बाल चाहिए, कितना वॉल्यूम दिखना चाहिए मेरे बालों में और ऐसा हेयर कट मैं खुद स्टाइल कर सकूं। सो आई शोड हिम दिस पिक्चर दैट आई गॉट फ्रॉम पिंटरेस्ट एंड वो समझ गए कि ठीक है मेरे बालों में ज्यादा वॉल्यूम नहीं है एंड आई वांट नीचे से स्ट्रेट कट। सो दैट इज व्हाट ही गेव मी एंड सामने से लेयर्स उन्होंने मुझे दिया। दिस इज अ हेयर कट दैट यू कैन स्टाइल योरसेल्फ घर पे। और मेरे बाल पतले हैं ना, तो मल्टीपल लेयर्स अच्छे भी नहीं लगते मेरे बालों में अनलेस और अंटिल मैं छोटे कर लूं बाल अपने। अभी जैसे मीडियम लेंथ के हैं मेरे बाल और ये मुझे मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने ही बताया। Anyway, I was really happy with the service. It took around 40 minutes to get hair wash and haircut done and this is the final result. I freaking love it. Kareeban 2 din tak to aise rahenge and I also can style it myself ghar pe khud blow dry karke. Guys know that how much I'm into skincare और मैं skincare वाला part खुद नहीं कर रही हूँ अकेले। मेरी दोनों दोस्त यहाँ पे meet Supriya and Riya, मैं इनको खींच के लेके आई कि चलो साथ में skincare का glow up करेंगे। कैसा लग रहा है आपको मेरे channel पे साथ में cumulative glow up? This is क्या हमने मेरे बचपन से सपना था कि मैं करता हूँ। मेरा भी एकदम शालिनी के साथ glow up करने का मेरा सपना पूरा हो गया। How lucky I am. But honestly speaking, do you do like lot of glow ups for your special things like birthdays, parties, कहीं जा रहे हो? I think इसने शादी के time पे किया होगा तूने ऐसा। हाँ, तेज़ आ कर लेती है शादी के पहले। तू करती glow ups? ऐसा नहीं करती। No, not usually, but masking like you know, but both of you masking तो you do ना? Yeah. I love masking. हाँ जी ना। So today we are going to be using this clay mask. This is by Pore Fresher, Benefit का है ये, काफी अच्छा clay mask है. So I have a combination skin type, so this is great for me. She also has combination skin type and acne prone skin. Acne prone skin. तो हम तीनों पे काफी अच्छा जाएगा ये। वी हैव ऑलरेडी वॉश्ड आवर फेस, थोड़ा थोड़ा लेंगे हम लोग। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, सो अंडर आई एरिया को हटा के पूरे फेस पे अप्लाई करना, लाइक दिस एरिया, लीव दिस एरिया। रिया टेक योर टाइम, हम यही है। 1000 years later. हम लोग ने मास्क लगा लिया है। We need to keep this for 3 to 5 minutes. So we're gonna see you after it is all dried up. Okay, it's been more than 5 minutes. हमारे मास्क ड्राई हो चुके हैं। रिया का थोड़ा थोड़ा बचा है बट उसने थोड़ा थिक लेयर लगाया था। We are still gonna go and wash our face. We will be right back. Guys, we are back after washing our face. My skin feels so soft and cleansed. एकदम awaken कर दिया उसने मेरे skin को। What about you guys? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम refresh लग रहा है। Yeah, definitely feels like very glowy and plump. तो हम लोग पोस्ट स्किन केयर रूटीन करेंगे। आपको पता है हम तीनों का एक्ने प्रोन स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मेरा जो स्किन केयर है वो इन दोनों पे भी काम करेगा। फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज अप्लाई टोनर। दिस इज फेस शॉप का चिया सीड टोनर। वो जो बड़ा बॉटल था ना मेरे पास ऑलमोस्ट इतना सा बचा था और मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने बोला चलो सब कुछ इसी में ट्रांसफर कर देते हैं। जस्ट गोना अप्लाई थोड़ा सा, विच इज अ लॉट, थोड़ा सा बोल के इतना दूर पकड़ना, इतना दूर इज फाइन, 2 pump इज फाइन, यू नीड द स्प्रेड इट। उसके बाद राइट साइड में स्प्रे कर लिया, एक लेफ्ट साइड में जस्ट पैट इट।
एम आई गेटिंग अ पिंपल? मैं इन लोग को बोली थी कि मुझे ना पिछले 3 साल से यहाँ यहाँ पिंपल आ रहे हैं और इस बार मुझे आए नहीं है, एंड लुक एट दिस, 12 बजते यहाँ पे एक पिंपल आ गया है. शी इज ऑल्सो गेटिंग सम पिंपल यहाँ पे, सो वी विल अप्लाई पिंपल पैच. सो आई बी यूजिंग डर्माको का पिंपल पैच. आई लव दिस पिंपल पैच. कभी पिंपल पैच यूज किया? नहीं. इट्स फाइन, मैं तो बोला रहा हूं. I'm feeling left out. तुझे पिंपल पैच चाहिए? I think this is a good kind of feeling, bro. Feel left out कि तुझे पिंपल पैच नहीं लगाना पड़ रहा है. See, तो बहुत बड़ा सा पिंपल है. Now we'll see कि कल क्या होता है. कल क्या होता है इस पिंपल का? I'm gonna use one here. Next time I'm gonna be using 10% niacinamide serum. This is great for acne marks and acne scars and also enlarged pores होते हैं ना, उसको भी reduce करने में मदद करता है. So I'm gonna be taking entire drop. आते हैं प्रशांत. प्रशांत and apply this pat. Okay. Neck baby. This feels so good now. Yeah, like 3 of us doing it also. Next we are using this under eye cream. This is by Estee Lauder. ये मुझे brand ने भेजा था. आप कोई सा भी under eye cream use कर सकते हो, या फिर जो serum आपने use किया है उसी को under eye पे थोड़ा थोड़ा ऐसे apply कर सकते हो. But this is my birthday and I'm doing a special glow up with my friends, so I want to use this product. So I'm taking this much and just blend. Lastly, I'll be applying rice ceramide emulsion. I love this moisturizer. It's pretty lightweight. और तुम लोग भी देखना, तुम लोग जब से apply करोगे ना, you will feel that glow. काफी लोगों को suit नहीं करता है, but it really suits me. It's just that you need to take little bit of this. This much is enough. 2000 years. गले पे भी apply करना, okay? दोनों हाथों में ऐसे करके pat first, neck पे and then spread. एकदम rich वाली feeling आ रही है. Rich. Look at our skin glowing. ये ओले एड्स वाली वाइब्स नहीं आ रही? हाँ, ओले एड्स वाली वाइब्स आ रही है. But I love this. Thank you guys doing this like skin. Thank you so much. Individual shots आप हमारी स्किन का देख सकते हो, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारी स्किन. It's pretty simple to do. जो भी स्किन के प्रोडक्ट्स है ना, अगर आपको लग रहा है कि इट्स प्राइसी, मैं उनका ड्यूप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ओके, सो यू कैन चेक इट आउट. सबसे पहले जो पुराना नेल पेंट मैंने लगा के रखा है उसे मैं रिमूव करूंगी यूजिंग कलरबार्स एसीटोन फ्री नेल पेंट रिमूवर. नाउ द थिंग इज गाइस, कि पहले मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी नेल आर्टिस्ट के पास एंड आई विल गेट जेल नेल्स डन. मैंने पिक्चर्स भी सिलेक्ट कर लिए थे पिंटरेस्ट से, बट मैं क्योंकि काफी लेट हो चुकी थी, नेल सलॉन्स बंद हो चुके थे, तो लाइक कोई बात नहीं, हम घर पे ही कर लेंगे नेल का केयर. सो नेल पेंट रिमूव करने के बाद आई एम गोइंग टू कट माई नेल्स. सबको इवन कर दूंगी क्योंकि कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं. आई डोंट लाइक बड़े छोटे नेल्स. देन आई एम गोइंग टू फाइल दी edges of the nails. अभी मेरे पास nail filer नहीं है, अगर होता तो वो जो येलो पन है ना नेल्स में वो भी मैं फाइल कर देती, और बेस कोट भी नहीं था मेरे पास, तो डायरेक्टली मैं नेल पेंट अप्लाई करने वाली हूँ अभी. दिस इज कलरबार नेल लैकर इन द शेड ब्रॉन्जर. इतना अच्छा फॉर्मुला है इसका, काफी जल्दी ड्राई हो जाता है, अफोर्डेबल भी है ये नेल पेंट. एंड आई नो दिस इज नॉट द बेस्ट नेल पेंट का वर्क दैट आई हैव शोन ऑन माई चैनल, बट क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी, रिसोर्सेज होते ना अच्छे तो और बेहतर तरीके से मैं करती. एंड दिस इज द नेक्स्ट डे. सुबह 8 बजे उठ के मैं ग्लो अप को कंटिन्यू कर रही हूँ. नहा धो चुकी हूँ, बाय द वे यू कैन सी माई पफी फेस, माई सोलन आईज. वी आर गोना बी फोकसिंग ऑन आईब्रोज, अपर लिप एरिया एंड चिन के पास जो हेयर है. सो आई एम गोना बी टेकिंग दिस रिफ्रेशिंग जेजो एलो आईज जेल बाय फेस शॉप. गोइंग टू बी अप्लाइंग ऑल ओवर माई आईब्रो हेयर एंड नियर माई आईब्रो बेसिकली. फिर एक रेजर की मदद से आई विल स्टार्ट रिमूविंग द एक्स्ट्रास. सो अगर आपको रेजर यूज करने में घबराहट होती है, डर लगता है, तो वॉट यू कैन डू, यू कैन लाइक होल्ड योर रेजर इन एन एंगल, लाइक 45 डिग्री एंगल में आप होल्ड करके रिमूव करूंगी ना बाल, तो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं एंड यू वोंट कट योरसेल्फ. एंड ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन ऐसे zigzag पैटर्न वाले रेजर्स. एंड यू गाइस नो आई हैव यूनिब्रोस, सो उसे भी मैंने रिमूव किया. जो भी एक्स्ट्रा बाल दिख रहे थे आईब्रो आग के पास वो भी मैंने रिमूव किया. फिर सीजर्स की मदद से जो आईब्रो के बालों की लेंथ है उसे ट्रिम किया, उसे इवन किया बेसिकली. देन आई अप्लाइड सम मोर एलोजेल नियर द चिन एरिया, लिप्स के आसपास और चीक्स पे. बेसिकली जहां जहां मुझे फेस पे बाल थिक दिख रहे हैं वहां वहां पूरे फेस को मैं शेव नहीं करूंगी. एंड इन द ऑपोजिट direction of the hair growth I will start shaving the face. Usually I like to go in the direction of the hair growth jab main pure baalon ko shave karti hu, but today I am spot shaving my face. But if you have extremely sensitive skin and if you want to avoid cutting yourself and getting razor bumps, and if you are a beginner, then you should go in the direction of the hair growth itself. Fir maine face ko khali pani se dho liya, and the next step that I am doing is applying niacinamide serum. It just really helps to calm down my skin. And the next step I did was to apply sunscreen all over my face, and this is the skincare routine after I was done shaving my eyebrows and my face.
सो बर्थडे मेकअप में सॉफ्ट ग्लैम डूई मेकअप चाह रही थी सो आई स्टार्टेड ऑफ विद दिस मामा अर्थ लूमी क्रीम एंड आई अप्लाइड दैट ऑल ओवर माय फेस एंड माय नेक. बाय द वे मैं इस वक्त लोनावला में हूँ. मेरे फ्रेंड्स मुझे मेरे बर्थडे के लिए लेके आए थे यहाँ पे. द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम यूजिंग इज दिस फिट मी प्राइमर फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन. आई एम गोइंग टू बी अगेन अप्लाइंग दैट ऑन द टी जोन एरिया एंड देन रेस्ट ऑफ माई फेस. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कलर करेक्ट अराउंड माई लिप्स. फॉर दैट आई एम यूजिंग ऑरेंज कलर करेक्टर एंड ब्लेंडिंग दैट विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स. उसके बाद आई एम टू यूज मेबलिन एच वन कंसीलर इन द शेड कैरेमल अंडर माई आईज एंड अंडर आई बैग्स के पास अराउंड माई लिप्स. एंड बिफोर ब्लेंडिंग इट मैं यूज करूंगी स्मैश बॉक्स का हेलो टिंटेड मॉइस्चराइजर. आई फ्रीकिंग लव दिस. इट इज सो लाइट वेट, कवरेज इज ब्यूटिफुल और स्किन को डूई बना देता है ये. आई मीन द शेड मीडियम फॉर दिस. ये सब अप्लाई करने के बाद आई एम गोइंग टू ब्लेंड एवरीथिंग. बाय द वे गाइस, ये जो फुटेज आप लोग देख रहे हो ना, दिस वॉज फिल्म्ड बाय आईफोन 13 प्रो मैक्स का बैक कैमरा जो है इन 4K. मैं अपना खुद का कैमरा ले जाना भूल गई. मैंने उसे पैक किया था. आई बॉट दी ट्राइपॉड ऑल्सो बट आई फॉरगॉट टू टेक दी कैमरा. अच्छा, कंसीलर ब्लेंड करने के बाद आई यूज लैक्मे 95 कंसीलर इन द शेड आलमंड टू गेट बेटर कवरेज अंडर माई आईज एंड ऑल्सो टू हाईलाइट दैट एरिया. आई एम फिल्मिंग इन नेचुरल लाइट बाय द वे. वो भी शाम वाली लाइट, धूप भी नहीं थी, सनसेट होने वाला था, क्लाउडी था, बट आई स्टिल वॉन्टेड टू शूट दिस एंड मेक यूज ऑफ वट एवर रिसोर्सेज आई हैड. यूजिंग मामाअर्थ का ट्रांसलूसेंट पाउडर टू सेट अंडर माई आईज एंड माई टी जोन एरिया. उसके बाद एक बड़े से फ्लफी ब्रश में मैं वही पाउडर लूंगी एंड आई एम गोइंग टू सेट माई एंटायर फेस. आई बी यूजिंग प्योर ब्लूम पैलेट बाई के ब्यूटी. आई एम मिक्सिंग दिस टू शेड्स एंड आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग दैट एज अ ट्रांजिशन शेड फॉर माई आईलिड एंड पिकिंग दिस ब्यूटिफुल पीची शिमरी कलर इन माई रिंग फिंगर एंड अप्लाइंग दैट डायरेक्टली ऑल ओवर माई आईलिड एंड देन ब्लेंडिंग द एजेस. छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश में आई पिक दिस डार्क ब्राउन कलर एंड अप्लाई दैट ऑन द आउटर हाफ ऑफ माई आईलिड. के ब्यूटी का काजल अप्लाई करूंगी वेरी close to my lash line and with the help of a flat smudger brush I'm going to smudge it taki mujhe ek smoky soft effect mile. Chote se pencil brush mein I'm picking that dark brown color again and applying that on my lower lash line to define my lower lash line. Using Too Faced ka cloud crush blush in the shade velvet crush and I'm mixing that with this two eyeshadow color that I applied as a crease. Mujhe chahiye tha ek peachy pinky blush color jo ki main leke nahi aayi thi, so I had to DIY that color. Benefit ke setting spray ki madad se I'm going to be setting my entire मेकअप. उसके बाद आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग हाइलाइटर. यू नो दिस हाइलाइटर, दिस इज शैम्पेन पॉप. इतना सुंदर लगता है ना ये मेरे स्किन टोन पे. दिस गोना गिव मी दैट शाइन, दैट ऊम फैक्टर टू द स्किन. वो ग्लोइनेस देगा मेरे मेकअप लुक को. सो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माय फेस वहां अप्लाई किया, हल्का सा चीक्स पे अप्लाई किया, ऑन द आईब्रो आर्क एरिया, ऑन द ब्रिज ऑफ माय नोज. एक छोटे से पेंसिल ब्रश में मैंने इसे पिक किया, अप्लाई दैट ऑन द इनर कॉर्नर, अगेन ऑन द आईब्रो आर्क एरिया. देन आई एम गोइंग टू बी फिलिंग अप द स्पार्श एरिया ऑफ माय आईब्रोज यूजिंग आईब्रो पेंसिल. उसके बाद आई एम गोइंग टू सेट माय आईब्रोज इन प्लेस यूजिंग आईब्रो मस्कारा. दिस really makes a huge difference. उसके बाद मैंने mascara भी apply किया था अपने eyelashes पे. This is by L'Oreal that I used, which I forgot to film. I started off with a dark brown lip liner, outlined my lips with this and filled up the edges of my lips as well. उसके बाद I applied brown souvenir lipstick by Lakme Forever Matte. कस लिपस्टिक को पिंकी पीची टोन देने के लिए मैंने एक रेड कलर का लिपस्टिक लिया, अप्लाइड दैट ऑन दी सेंटर ऑफ माई लिप्स एंड जस्ट डैप डैप कर दिया मैंने अपने लिप्स को. एंड दिस इज द कम्प्लीट मेकअप लुक. आई रियली लाइक हाउ soft this is, very beautiful, easy to create. Then I changed my earrings as well. My friends were helping me with lighting kyunki pura sab kuch ja chuka tha bahar ka light. Chhodke bahut acha makeup hai, subtle makeup hai, seriously blend bhi bahut acha hua. सो सुना आपने, रिया और सुप्रिया ने तो इस मेकअप लुक को अप्रूव कर दिया. नेक्स्ट थिंग, आई अप्लाई ड्राई शैम्पू. दिस इज बाय एनोमली, ओनली ऑन द रूट्स क्योंकि वहाँ हल्का हल्का ऑयली हो रहा था. आई यूज्ड दिस वॉलेट ब्लॉसम परफ्यूम बाय जारा. बालों के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने साइड पार्ट करके लूप ओनी कर दिया ताकि फोकस मेरा ड्रेस इयरिंग मेकअप पे रहे. दिस ड्रेस इज बाय लेबल बाय रितु कुमार और इयरिंग्स मैंने सुप्रिया से बोरो किए थे. थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु विश्ड मी ऑन माई बर्थडे. बस ऐसे प्यार देते रहो. लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर करना मत भूलना एंड कॉमेंट करना मत. I'm going to see you guys pretty soon with a brand new content on my channel. Bye everyone. Take care.